चाय और कॉफ़ी के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारे रेशेदार फसलें, जिसमें आपका कपास आ जाएगा, जूट आ जाएगा। इसमें रेशे में अगर चाहें तो हम गन्ना भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशेदार फसलों में। तो हमारी जो रेशेदार फसलों में पहली चीज़ आएगी वो आएगी हमारी, इनको मैं लिख देती हूँ, रेशेदार फसलें। और इस रेशेदार फसलों में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे कपास की। कपास जो है एक्चुअली में भारत में ऐसा नहीं है कि आज से ही शुरुआत हो रही है। हमारे अगर ट्रेडिशनल आप पुराणों में भी बात करोगे तो कपास से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। कपास एक प्रकार की खरीफ की फसल है, ठीक है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल का मैंने आपको टाइम पीरियड बता ही दिया था जब मैंने फसलें स्टार्ट की थी, रवी की, खरीफ की, जायद की, इनका टाइम पीरियड क्या होता है। रेशेदार फसल है और ये भी एक मुद्रा दायिनी फसल में ही काउंट होती है हमारी। इस फसल के लिए जो मुख्य रूप से हमें कुछ बातें जो मैं हमेशा फसलों में कहती हूँ कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है, भौगोलिक दिशाओं की बात करें या टेम्परेचर की बात करें, तो हमें जो इसमें बेसिकली चीज़ चाहिए वर्षा। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। ये वर्षा जो है ये औसत वार्षिक आधार पे औसत वार्षिक वर्षा चाहिए होती है। तापमान की बात करें, टेम्परेचर किसी के लिए भी दे, पकने के लिए, बोते समय, काटते समय, इन सब के टेम्परेचर हमें पता होने चाहिए। तो इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 20 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। देखिए, अलग अलग बुक्स में काफ़ी कुछ अलग अलग मतभेद पाए गए हैं टेम्परेचर को लेके भी, लेकिन इसका बेसिकली अगर आप NCERT कंफर्म करेंगे या वहाँ से आप चेक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको तकरीबन 22 से 35 का मिलेगा। तो 20 और 22 में इतना कोई अंतर विशेष रूप से आता नहीं है। अगर कपास की बात करें तो ये हमारे भारत का ही, देश का ही पौधा है और ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। और आपको इसका उल्लेख ना केवल वर्तमान में बल्कि ऋग्वेद में होता है। और भारत विश्व का, ये GK का क्वेश्चन है, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां कपास की संकर किस्म पैदा की गई है। भारत में सर्वप्रथम कपास की, ये GK का क्वेश्चन भी बन सकता है, संकर किस्म पैदा की गई है। तो अगर संकर किस्म की कपास की बात आए तो उसके हम किस में आ जाते हैं, भारत में। कपास का वर्णन आपको देखो ऋग्वेद में भी मिलेगा। तो आज से नहीं, मैंने कहा था पुराणों में भी, ऋचाओं में भी आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए, तापमान 20 से 35 चाहिए। इसके लिए विशेष रूप से आपको ध्यान रख, कपास के लिए कम से कम जब कपास को लगाते हैं या उसका बिनौला आता है, बिनौला मतलब बीज, बीज में से जब वो खुलता है तो कपास निकलती है, तो इसके लिए जो तापमान के अलावा इसमें 210 दिन पाला रहित होने चाहिए। मतलब 210 365 दिन में से जो जब भी इसका टाइम पीरियड है 210 दिन इसमें पाला नहीं पड़ना चाहिए। पाला पड़ गया तो कपास का जो रेशा है चमकीला नहीं होगा, छोटा रह जाएगा और दूसरा सा धुंधला धुंधला गंदला सा आएगा उसमें, मतलब खराबी ज़्यादा निकलेगी। तो इसके लिए अच्छी किस्म की कपास पाने के लिए क्या होने चाहिए, 210 दिन पाला रहित होने बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा बात करें तो जब डोडी, बॉल्स जिसे कहते हैं, खिलने के समय आकाश बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, तेज़ धूप होनी चाहिए। देखिए डोडी जो होती है, बॉल्स जिसे बोलते हैं, बॉल्स या जिसे अपन बोलते हैं डोडी, अगर आपने पेड़ देखा हो कपास का तो छोटे छोटे गोल गोल डोडी निकलती है जब वो खिलता है। जितना तेज प्रकाश होगा, आकाश एकदम साफ़ होना चाहिए, बादल नहीं होने चाहिए, जब डोडी निकलती है तो खुलता है तो उसमें से क्या आपको रुई, मतलब जो कपास है वो दिखती है। जितनी चमकदार साफ आकाश, उतना ही चमकीला रेशा मिलेगा हमें कपास को, और वही सबसे अच्छा किस्म का कपास होता है जिसे हम कहते हैं अमेरिकन कपास। भारत में बात करें तो कपास के रेशे की जो लंबाई होती है, भारतीय कपास रेशे की जो लंबाई होती है वो 2 सेंटीमीटर से मिनिमम 5 सेंटीमीटर के बीच होती है, लेकिन मैक्सिमम आपकी बात करें 3 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर के बीच अपने यहाँ इसकी लेंथ मिल जाती है। भारत में अगर बात करें तो हमारे यहाँ 3 किस्म की कपास पैदा होती है।
भारत में टोटल तीन किस्म की कपास पैदा होती हैं। पहली होती है लंबे रेशे वाली कपास, ठीक है, ये भारत में 40% होती है। फिर होती है मध्यम रेशे वाली कपास, इसका उत्पादन भारत में 45% होता है। और तीसरी होती है लघु रेशे वाली कपास। अब इन दोनों का जोड़ लेंगे, जितना बचा है, कितना 15% बचा है, वो क्या हो गए, लघु रेशे की। तो तीन प्रकार की कपास भारत में पैदा की जाती है, जिसमें से लंबा और चमकीला रेशा होगा तो उसको हम कहते हैं अमेरिकन कपास। जैसे अमेरिकन कपास है, कंबोडियन है, बंगाल है, जरीना है, मालवीय कपास की किस्में हैं। आपको कुछ तो याद रखना है, जैसे अमेरिकन कपास, कंबोडिया कपास, जरीन कपास, ये इसकी क्या हैं, किस्में हैं। तो कई बार किस्में भी दे देते हैं, जरीन कई बार हम भेड़ बकरी में भी नाम सुन लेते हैं, लेकिन ये क्या है, एक तरीके की कपास की एक किस्म है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस्मों के बारे में भी कई बार जानकारी ले लेते हैं। कपास के लिए अगर मिट्टी की बात करें, क्योंकि हमने वर्षा की बात कर ली, तापमान की बात कर ली, मिट्टी की बात करें तो मृदा जो चाहिए सबसे अच्छी कपास के लिए, उत्तम मृदा जो होती है वो होती है काली मिट्टी। और भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी भाग, जो महाराष्ट्र गुजरात का भाग है या कर्नाटक का उत्तरी भाग है, ये सब क्या है, काली मिट्टी के क्षेत्र हैं। तो इस क्षेत्र में कपास बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़, जो कपास के लिए जलवायु की बात करें, तो कपास के लिए देखिए जलवायु भी कैसी चाहिए, आर्द्र चाहिए। आर्द्र क्यों चाहिए, आपने देखा होगा कभी घर में जब पूजा की बत्ती बनाते हैं, हम अपनी दादी को या मम्मी को देखा होगा, या आप पूजा करते हो, मे बी आपको भी पता हो, तो हम जब बत्ती बनाते हैं तो उसको बटने के लिए हमें या तो पानी का हाथ या दूध का हाथ लेते हैं हम, चिकनाई का, जिससे वो बट जाए। तो कपास से रेशे बनाने के लिए अगर नमी नहीं होगी तो वो बटी ही नहीं पाएगा, तो उसे हमें क्या पानी का देना पड़ेगा पानी। और जब ये तटवर्ती इलाके में होते हैं तो वहाँ पे स्थलीय समीर और जलीय समीर वाली जो कंडीशन होती है, समुद्र से आने वाली हवाएं क्या होती है, नम होती हैं। उस नमी के कारण वहाँ पे जो कपास से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत अच्छी डेवलप होती है। इसीलिए गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में इनका ज़्यादा विकास हुआ है। तो इसलिए जलवायु भी कैसी होनी चाहिए, आर्द्र उष्ण, उपोष्ण आर्द्र या उष्ण आर्द्र के नाम से हम जाने, तो ऐसी वहाँ की जलवायु होनी चाहिए। अगर काली मिट्टी के बिना सिंचाई के भी, काली मिट्टी के क्षेत्र में इसकी जो होती है, काली मिट्टी का क्षेत्र होना चाहिए एक तो, और दूसरी ये बिना सिंचाई के भी पैदा हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर तटवर्ती इलाकों में आर्द्र जलवायु है और पहले से काली मिट्टी का क्षेत्र है, तो ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अच्छी पैदावार हमें उस जगह प्राप्त हो जाती है। अगर बात करें दक्षिण भारत की जो जलवायु है कपास उत्पादन के लिए, बहुत अच्छी है। मैंने आपको बता दिया था क्यों है, एक तो काली मिट्टी पाई जा रही है, दूसरी क्या है, तटवर्ती इलाका है, इस वजह से भी यहाँ पर किया जा रहा है। भारत में लंबे रेशे की कपास को अमेरिकन कपास, मिश्र, सूडान, केन्या से आयात करते हैं। भारत में इतनी अमेरिकन लंबी कपास होती नहीं है, तो हमें अमेरिका से जो आयात करते हैं, अच्छी किस्म की आयात करने के लिए आयात जो करते हैं हम कपास का, वो करते हैं कहाँ से, अमेरिका से, सूडान से, मिश्र से, यहाँ से हम आयात करते हैं। और भारत से जो निर्यात किया जाता है वो किया जाता है जापान में, बहुत ज़्यादा खपत हो जाती है। हमारे यहाँ की जो कपास की डिमांड है, बिनौलों की डिमांड होती है, वो हमारी जापान के पास चली जाती है, मध्यम के रेशे की, जो छोटे या मध्यम रेशे की। और सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे जापान है, और एंड कहाँ पे जाती है, ब्रिटेन। इन दो जगह हम अपने यहाँ की कपास को निर्यात करते हैं, अन्य क्षेत्रों में भी जाती है, लेकिन बेसिकली ज़्यादा डिमांड हमारी इन क्षेत्रों में। लंबी रेशे की चमकदार जो अमेरिकन कपास है, सूडान से, मिश्र से, कंबोडिया से, हम वहाँ से इसको आयात करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कपास के बारे में, हमें जानकारी, ध्यान रखिएगा कि किसकी फसल है, कैसे होती है। अगर बात करें भारत किस कुल की है, तो ये मालवेसी कुल की अगर कपास की बात करें किस कुल से आती है, तो मालवेसी कुल से है ये। साइंटिफिकली अगर पूछा जाए, मालवेसी या मालवेसी कुल से ये रिलेटेड होती है कपास की किस्म। साइंटिफिकली भी मैं आपको बताती जा रही हूँ। भारत में अगर बात करें कपास का उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी क्षेत्रों में होता है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, एमपी में होती है।
इसको हम अगर भारत में कहें, कपास के का जो रेशा होता है उससे बीज प्राप्त होता है। अब भारत में कपास को, इसको कपास को क्या कहा जाता है? जीके का क्वेश्चन करें, सफेद सोना पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कपास को सफ़ेद सोने के नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्पादन की बात करें, अगर डायग्राम के थ्रू हम बात करें, ठीक है, भारत के जो इसका कहाँ कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन की बात करें तो भारत में इसकी प्रोडक्शन की मैं आपको सीधे सीधे बता दे रही हूँ, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कपास का मुख्य उत्पादन होता है। तो एक तो होता है गुजरात में, ठीक है, ये गुजरात वाला हिस्सा, ये कच्छ का रण हटा दीजिए। फिर होता है आपका हरियाणा में, ये हरियाणा आपका, ठीक है, उसके अलावा महाराष्ट्र में, ये हिस्सा काय का आ गया अपना महाराष्ट्र, मैं नाम भी लिखती जा रही हूँ, ये आपका गुजरात। जो प्रॉपर जगह हैं उनके नाम हमें मेंशन, हमें पता होने चाहिए। गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, ये वाला हिस्सा, ये तेलंगाना वाला पार्ट आ जाएगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मैं हाफ में लिख रही हूँ, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये दोनों पार्ट आपके आई जाएंगे। हरियाणा हमने ले ही लिया है, इसके अलावा हमारा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और इसमें हमारा कुछ पार्ट कर्नाटक और एमपी का भी आ जाएगा। एमपी का कुछ पार्ट, ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र यहाँ नीचे टच कर जाएगा, एमपी का दक्षिण पश्चिमी भाग, ये वाला भाग आ जाएगा इसमें एमपी का, ठीक है, और इसके अलावा इसका कर्नाटक का पार्ट, क्योंकि महाराष्ट्र के साथ साथ काली मिट्टी का विस्तार यहाँ कर्नाटक वाले क्षेत्र में भी आ जाता है, तो कर्नाटक का उत्तर वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये क्षेत्र अपने अगर प्रॉपरली देखे जाएं, अगर ऐसे हम मेंशन करें, तो ये क्षेत्र हो गए हमारे किसके, कपास उत्पादन के क्षेत्र हो गए। तो भारत में कपास का उत्पादन इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से होता है। ऐसे तो थोड़ा बहुत मात्रा में अन्य राज्यों में भी किया जाता है, लेकिन बेसिकली जो उत्पादन है वो इन क्षेत्रों में, उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम में आ ही जाएंगे सारे के सारे, और बाकी के आपके पूर्वी क्षेत्र में भी थोड़े से आ रहे हैं, जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, जैसे आंध्र प्रदेश आ गया आपका, ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आ जाएगा, तो इन क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। इसमें आपको जो ध्यान रखना है, ये भी मुद्रादायिनी फसल है, ये विशेष ध्यान रखना है, और इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ये इसमें जीके का क्वेश्चन सीधे सीधे आपका निकलता है। अगला अगर हम बात करें, ये हो गई हमारी कपास की फसल, अगली फसल है हमारी जूट की। रेशेदार फसल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो रेशेदार फसलों में हमारी अगली फसल जो आएगी वो हो जाएगी हमारी जूट की फसल। जूट भी क्या होता है, देखिए आपने सुनहरे कलर का रेशा देखा होगा, और ये ज़्यादातर हमारे तटवर्ती इलाकों में, पहले अगर बात करें स्वतंत्रता से पहले की बात करें, तो भारत विश्व में पहले स्थान पे था जूट के उत्पादन में, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश वाला हिस्सा भी चला, तो बांग्लादेश वाला जो हिस्सा हमारे पास से चला गया, तो हमारा जो जूट उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र था वो बांग्लादेश में चला गया। ऐसे ही कपास के उत्पादन की बात करें, तो भारत में सबसे ज़्यादा कपास होता था, लेकिन विभाजन के बाद जो कपास उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र था वो पाकिस्तान के पास चला गया था। तो उत्पादन होता है, लेकिन पहले से मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अगला टॉपिक है हमारा जूट। जैसे कपास के लिए कुछ भौगोलिक दशाएं मैंने आपको मेंशन की थी, ऐसे ही जूट के लिए भौगोलिक दशाओं की बात करें, तो तापमान हमें जूट के लिए अगर बात करें, जूट 70% भारत का जो जूट है वो पूरा का पूरा पश्चिमी बंगाल वाले क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पर्टिकुलर क्षेत्र पश्चिमी बंगाल से टच ही बांग्लादेश है, तो पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र मुख्य रूप से इसमें इम्पॉर्टेंट है। अगर दशाओं की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो इसमें तापमान चाहिए होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वर्षा की बात करें तो 150 सेंटीमीटर से तकरीबन 200 सेंटीमीटर बारिश की, क्योंकि जल में होने वाली चीज़ है, तो इसलिए वर्षा की मात्रा इसमें क्या चाहिए, अच्छी चाहिए, आर्द्रता युक्त क्षेत्र होना चाहिए, पानी की मात्रा अच्छी उपलब्ध होनी चाहिए, ये इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। जूट ये भी क्या है, खरीफ की फसल है,
जैसे कपास खरीफ की थी, अखाद्य खाने योग्य नहीं है, कहीं खाने की मैं यूज़ कर लें, खरीफ की फसल है, कपास की तरह रहती है, सस्ते मजदूर चाहिए होती है, स्वच्छ जल चाहिए होती है। मिट्टी की बात करें, मृदा, नवीन जलोढ़ मिट्टी मृदा, जो कि किससे आती है, नदियों के द्वारा बहा के जो मिट्टियाँ लाए प्रतिवर्ष बहाई जाती हैं, खादर और बांगर मैंने कहा था, तो खादर वाला जो क्षेत्र है अगर प्रॉपरली देखें खादर वाले क्षेत्र में ये बहुत अच्छी होगी। लेकिन डेल्टाई ज़्यादातर देखने को मिलेगी आपको कहाँ को, डेल्टाई वाले क्षेत्र में। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है या नवीन काप मिट्टी वो इसके लिए बहुत उपयोगी रहती है जूट के लिए। इसके अलावा जो मैंने आपको कहा था भारत के विभाजन के बाद पहले हमारा एकाधिकार था, लेकिन बांग्लादेश में जाने के बाद हमारा द्वितीय स्थान हो गया है, और भारत में 70-75% अकेले कहाँ पैदा की जाती है, बांग्लादेश में पैदा की जाती है। वर्तमान में जूट का जो प्रयोग है वो बैला बनाने में काम किया जाता है, क्योंकि आप जो बैला में आपके बोरे आपने देखे होंगे, बोरे हैं जूट की पट्टियाँ, क्योंकि इस समय काफ़ी सारे रासायनिक केमिकल से युक्त रेशे आ गए हैं, तो कंपटीशन हो गया है। दूसरा, ये महंगा भी पड़ता है, तो लोग बाग इसको कम दोबारा से लोग बाग पुरानी चीज़ों पे आ रहे हैं, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में आप देख रहे हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं, तो दोबारा से जूट की डिमांड बढ़ी है, काफ़ी सारी खूबसूरत चीज़ें मिलने लगी हैं मार्केट में जूट से बनी हुई। तो इसके संग कुछ अन्य रेशे को मिला के कई चीज़ों का उत्पाद, जैसे कालीन है, दरी हैं, गलीचे हैं, नमदे हैं, उनका निर्माण जूट के द्वारा किया जा रहा है। तो ज़्यादातर उपयोग तो जूट का, देखिए बेसिकली आपने बोरों में देख, गेहूं के बोरे आते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें भरने का काम होता है या दरियों बनाने का काम होता है, उसमें इसका उपयोग जूट का विशेष रूप से किया जाता है। तो जूट में कोई ऐसा विशेष तो है नहीं कि जिसमें हमें पढ़ना है इसको। अगर सबसे एक जीके का क्वेश्चन को, भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है, जीके का अगर आप रिलेट करें, भारत का स्वर्णिम तंतु किसको कहा जाता है, जूट को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहें तो अलग से आप अगर नोट्स बना रहे हो तो वहाँ आप मेंशन करें भारत का स्वर्णिम तंतु किसे कहा जाता है, तो वो इसी को कहा जाता है। अगर बात करें तो कहाँ कहाँ होता है, तो बेसिकली मैंने आपको कहा था, देखिए मैं डायग्राम से आपको फिर से मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, ऐसे ही बनाए, देखिए मुख्य रूप से 75% तो होता है पश्चिमी बंगाल में, इसके अलावा कुछ मात्रा में होता है असम में, कुछ मात्रा में होता है बिहार में, ठीक है। इसके अलावा इसके जो पूर्वोत्तर राज्य हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहाँ पे भी होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं है, क्योंकि देखिए 75% 3/4 भाग तो अकेले पश्चिमी बंगाल ने कर लिया, अगर बांग्लादेश हमारे पास होता तो पूरे विश्व में हमारा एकाधिकार हो जाता, लेकिन भारत के अकॉर्डिंग पश्चिमी बंगाल में हमारा स्थान है। तो ये हो गई हमारी जूट की फसल। अगली फसल की हम अगर बात करें तो अगली फसल में हमारी आ जाएगी गन्ना, जो इसमें इतना ही है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड जो मैंने मेन चीज़ क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने आपसे बताई दी हैं। अगला हमारा है टॉपिक जो है वो है गन्ना। देखिए गन्ने से कितनी सारी चीज़ें, गन्ना होता है खाने के काम आता है, गन्ने में से चीनी बनती है, गुड़ बनती है, रास बनती है, आपकी रवा बनता है, बियर बनती है, तो बहुत सारे उत्पाद बनते हैं गन्ने से। तो गन्ने की इंडस्ट्री कहें तो भारत में बहुत डेवलप है, और इसमें यूपी का फर्स्ट रैंक है, इसमें चीनी उत्पादन में बात करें तो फर्स्ट रैंक हमारी यूपी की आ जाएगी। इसके अलावा बात करें विश्व में अगर चीनी का उत्पादन की बात करें तो क्यूबा आ जाता है, लेकिन भारत की बात, क्योंकि हम भारत का भूगोल कर रहे हैं तो हम सारी चीज़ रिलेट करके भारत से ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम गन्ने की बात करें तो गन्ना भी एक तरीके का क्या है, रेशेदार ही, अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें भी रेशे होते हैं, चबाते टाइम हमें भी रेशे महसूस होते हैं। तो हम अब गन्ने की सबसे पहले हम बात करें कि गन्ने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या हमें उत्पादन में ध्यान देना है। तो गन्ने का जन्म जो माना गया है वो भारत ही माना गया है, ठीक है। गन्ने का जन्म स्थान कहाँ है, भारत माना गया है, ठीक है।
चीज़ों के जन्म स्थान की जब बात हो रही है तो थोड़ा बहुत हमें जानकारी के तहत लिया जाए तो इसकी भी कहते हैं कि जन्म स्थान भारत में ही है। और गन्ने की बात करें तो उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है? उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय फसल है, ठीक है। रस होता है, रस कब आएगा? जब नमी आसपास होगी तभी तो रस उसमें आएगा। तो उपोष्ण उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, जो तापमान, हमेशा भौगोलिक दिशाओं की जब बात करें तो उसमें तापमान वर्षा आती है, तो तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गन्ने के लिए चाहिए, क्योंकि रस के लिए वर्षा पानी की आवश्यकता होती ही है। इसलिए कई जगह आपको 100 मिलेगा, लेकिन अगर बात करें अच्छी गुणवत्ता वाले की बात करें तो मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट आप याद करेंगे 75 का डबल कर दीजिए 150 सेंटीमीटर, वहाँ गन्ने की जो फसल होती है, गन्ने की जो रस होता है या मोटाई होती है वो अच्छी देखने को मिलेगी वार्षिक में। ये भी नकदी फसल है एक तरीके, और इसके लिए सर्वाधिक सिंचित फसल नकदी। कैसी फसल है? नकदी फसल है, और ये सर्वाधिक सिंचित, भारत में अगर सर्वाधिक सिंचित फसल में, सर्वाधिक सिंचित फसलों में आती है, ठीक है। मिट्टी की बात करें तो ये भी किस में होगी? काली मिट्टी में। काली मिट्टी का क्षेत्र दोबारा से कौन सा आ गया अपना? वो दक्षिण दक्कन का पठारी भाग वाला, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, एमपी का दक्षिण पश्चिमी भाग, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला पार्ट, ये क्या काली मिट्टी वाले क्षेत्र आ गए? तो इन क्षेत्रों में गन्ना का, और तटवर्ती इलाके, समुद्र की ओर से जो नमी रुक हवाएँ आएंगी वो गन्ने से टकराएंगी, जितना टकराएंगी उसके अंदर रस की मात्रा उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ से इन्हें नमी प्राप्त होती है वहाँ गन्ने का बहुत अच्छी मात्रा में क्या होता है? उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण गन्ने की फसल हमें प्राप्त होती है। श्रमिक और उर्वरकों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखिए इसमें भारत में अगर मैं बात करूँ, इसमें भारहासी फसल भी कहते हैं, तो भार, इसको भारहासी फसल, मैं इसको थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ, भारहासी फसल। कैसे भारहासी का मैं आपको थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ। मान लीजिए हमने 1 क्विंटल गन्ना लिया और उससे हमने रस निकाला, तो 1 क्विंटल का 1 क्विंटल तो नहीं निकलेगा, आपको पता है वेस्टेज कितना जाता है। अगर इतने बड़े पैमाने पे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको छोटे स्तर पे समझाती हूँ। आप जब गन्ने का रस पीने जाते हो तो आप 1 गिलास के लिए वो पूरा 1 गन्ना या 2 गन्ने निकालता है। अगर अच्छे किस्म का गन्ना हुआ, मोटा और रसदार, तो 1 में निकल आएगा, नहीं हुआ तो 2 निकालने पड़ते तब जाके, तो उसमें से रस तो इतना सा निकलता है और आपने देखा होगा उसका गूदा कितना वेस्ट जाता है। तो उसमें जो वेस्ट जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है, जो मुख्य चीज़ है, पदार्थ है, वो कम प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा उद्योग जिसमें वजन ज़्यादा जाता है और माल की कम प्राप्ति होती है, ऐसे उद्योगों को ज़्यादातर कच्चे माल के पास ही लगाते हैं, मतलब जहाँ वो पैदा हो रहा है वहीं लगा देते हैं, जिससे उसका जो मुख्य माल है सिर्फ वो ही हमें भाड़े के रूप में दूसरी जगह, क्योंकि आप देखो गन्ने को बाजार लाओगे, फिर उसमें से रस निकालोगे, फिर उसकी चीनी बनाओगे, तो उसके जो परिवहन लागत है, मतलब जितना वजन होगा उसके अकॉर्डिंग परिवहन लागत लगती है, तो उसमें पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए इसकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ लगती हैं? कच्चे माल के पास ही लगती है। तो जितने भी भार त्यागी, जितने भी, मैं सिर्फ इसकी नहीं कह रही हूं, जितने भी भार त्यागी चीजें होती हैं उनके उद्योग कहां लगते हैं? कच्चे माल के पास, फसल के पास ही लगेंगे। तो आप देखेंगे ज्यादातर भारत में कहीं पर भी चले जाए, जितनी भी चीनी की मिलें हैं वो ज़्यादातर क्या होती है, जहाँ गन्ने की पैदावार होती है, ताकि उसका भार त्यागीपना है, जो उसका वजन एक्स्ट्रा जा रहा है वहीं की वहीं निकल जाए और मुख्य पदार्थ को ही वो बाजार तक परिवहन करके ले जाए, तो लागत भी कम लगेगी और पैदार्थ भी पूरी तरह तैयार होकर बिकने के लिए चला जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भारहासी फसल है, कहाँ लगाया जाएगा, उद्योग कहाँ लगाया जाएगा, इसमें उद्योग लगाया जाएगा कच्चे माल के पास ही इसका उद्योग लगाया जाएगा। वो मैंने आपको कारण बताई दिया है क्यों लगाया जाएगा और किस कारण लगाया जाएगा, ये दोनों चीज़ मेंशन कर दिए। अब अगर बात करें भारत का जो परंपरागत रूप से जो उत्पादन होता है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में रहता है,
लेकिन 60 के दशक के बात करें दक्षिणी भारत में गन्ने का उत्पादन बहुत अच्छा बढ़ा है, और प्रति हेक्टेयर उपज की बात करें तो उत्तर भारत की तुलना में से अधिक है वहाँ पे। तो दक्षिण भारत में का जो गन्ना आता है, जो मैंने आपको तमिलनाडु वाला क्षेत्र बताया था वहाँ पे, क्योंकि तटवर्ती इलाके हैं। देखिए भारत का जब अपन मैप बनाते हैं ये, ठीक है, ये मैं अभी दक्षिण भारत, क्योंकि काली मिट्टी का क्षेत्र जो है वो यही तो है, काली मिट्टी का क्षेत्र, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है अपना, ठीक है। अब इसमें यहाँ तो काली मिट्टी है तो यहाँ तो गन्ना हो ही रहा है, मतलब गुजरात में होगा, महाराष्ट्र में होगा, कर्नाटक के उत्तरी भाग, लेकिन ये वाला क्षेत्र तटवर्ती, यहाँ क्या है अपना अरब सागर है, यह हमारी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है। तो यहाँ से जो हवाएं आएंगी क्या लेके आएंगी, नमी लेके आएंगी, नमी लेके आएंगी। तो और मैंने कहा था जो जितनी नमी लेके हवाएं आएंगी, आर्द्र हवाएं, वो जैसे गन्नाइस से टकराएंगी तो उसके अंदर नमी जाएगी, नमी जाएगी तो उसके अंदर रस की मात्रा उतनी ही अच्छी होगी। इसीलिए अब दक्षिण भारत का जो गन्ना है वो ज़्यादा क्या हो जाए, रसदार होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, मोटा होता है। तो उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत के गन्ने की क्वालिटी बढ़ती जा रही है और वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अगर बात करें भारत में गन्ना उत्पादक क्षेत्रों की, तो सीधे सीधे डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो मैं आपको ये मेंशन कर देती हूँ, ये क्षेत्र जो हैं भारत में ये गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है, भारत के यहाँ से शुरू कर, ये तो मैंने आपको हवाएं बताई हैं, ठीक है, ये जो मैं क्षेत्र है तमिलनाडु तक आ गया, गुजरात और ये काली मिट्टी का क्षेत्र, एक तो ये क्षेत्र आपका गन्ना उत्पादन में है ही है, इसके अलावा हमारे ठीक है, ये भारत का, तो भारत का ये पंजाब से लेके ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमारा क्या है, गन्ना उत्पादन में आता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों में। लेकिन दक्षिण भारत की क्वालिटी ज़्यादा चाहिए तो काली मिट्टी, दूसरा तटवर्ती इलाके, अरब सागर, बंगाल खाड़ी, इसलिए ज़्यादा अच्छी क्वालिटी। उत्तर भारत में जो गन्ना होता है वो सिंचाई, कौन सी नदियाँ आती हैं, देखिए मैंने आपको अपवाह तंत्र बताया, गंगा नदी आ जाती है, यहाँ से सारी घाघरा, गंडक, कोसी, तिस्ता, उनका जलीय क्षेत्र, तो सिंचाई के माध्यम से इन क्षेत्रों में भी गन्ना का उत्पादन किया जा रहा है। तो इस वजह से ये क्षेत्र क्या हो गए हमारे, मुख्य रूप से गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के रूप में ये जाने, जिसमें मैंने आपको कहा था उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन किया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो उत्तर भारत में शुष्क ऋतु ज़्यादा लंबी होती है तो गन्ने के रस सूखने लगते हैं, इस वजह से वहाँ के गन्ने की क्वालिटी क्या हो जाती है, गिरने लग जाती है। जबकि दक्षिण भारत में दोनों तरफ से क्या होने के कारण, मैंने आपको बताया था क्या कि वहाँ पूरे तरफ क्या होता है, तटवर्ती क्षेत्र है तो आर्द्र जलवायु के कारण उनमें रस रहता है। गन्ना पूरे वर्ष की फसल है, एक तो आपको ये ध्यान रखनी है। बुआई की बात करें जनवरी से अप्रैल में बोई जाती है, कटाई और पराई की जाती है अक्टूबर से अप्रैल में। आपको अगर बुवाई का लिखना है तो बुवाई कब होती है, बुवाई होती है जनवरी से अप्रैल में, तो बुवाई होती है, कटाई की शुरुआत होती है अक्टूबर टू अप्रैल, इसकी मतलब पूरा साल ही इसके पूरे चक्र को करने में लग जाता है, तो पूरी वार्षिक फसल है, ऐसा नहीं है कि इसको रवि में, खरीफ में, जायद में, किसी में हम मेंशन करें, पूरा साल ही ले लेती है ये। गन्ने के कृषि के लिए पाला बहुत हानिकारक होता है। भारत में गन्ने का प्रजनन केंद्र जो है कार्य कहाँ किया जाता है, कोयम्बटूर में, ये मैंने आपको कहा था, कई बार बोर्ड के नाम पूछ लेते हैं, गन्ना प्रजनन कार्य ये होता है कोयम्बटूर, ये आपको ध्यान रखना है, गन्ना प्रजनन का जो कार्य है या जो बोर्ड है वो कहाँ पे होता है, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर अगर आप नहीं जानते कहाँ पे है तो ये है तमिलनाडु में। मैंने कहा था दक्षिण भारत में तमिलनाडु वाला ज़्यादा विकास कर रहा है, वहाँ पे मिलें भी बढ़ती जा रही हैं, गन्ने के साथ साथ कपास की मिलें भी तमिलनाडु में बहुत डेवलप हो रही हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी, 1912 में भारत में गन्ना प्रजनन
संस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि कब की गई थी गन्ना प्रजनन संस्थान की 1912 में, मतलब हमारी स्वतंत्रता से पहले ही हो गई थी। दक्षिण भारत में गन्ने की उपज बढ़ रही है, कारण आपको बता ही दिया है, आर्द्रता युक्त जल, लंबी मौसम मिल जाता है पेराई के लिए, सहकारिता की प्रवृत्ति भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान देती है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें, ये तो प्रजनन का है, लेकिन भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था, ये जीके के भी यही मेंशन करें, ये लखनऊ में, ठीक है। प्रजनन का कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। राष्ट्रीय शर्करा संस्था, शर्करा मतलब चीनी जो निकाली जाती है, राष्ट्रीय शर्करा संस्था, ये आपका कानपुर में है। तो ये चीज़ें भी आप साथ के साथ याद कर लेंगे, क्योंकि जब पढ़ते हैं कुछ चीज़ें हमेशा के लिए याद रह जाती हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दे रही हूँ। तो ये हो गए हमारी तीनों फसलें, पहली हमारी हमने पढ़ी थी इसमें कपास, गन्ना और जूट, इनमें रेशेदाई के अलावा। इसके अलावा मैंने जब आपको कॉफ़ी और कहवा बता रही थी तो उसमें एक अपनी मेंशन करना चाहें भारत के परिप्रेक्ष्य, तंबाकू। तंबाकू भी बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पर, भारत के कुछ इलाकों में तंबाकू होती है डोडा पोस्ट के रूप में। वैसे तो तंबाकू का उत्पादन, तंबाकू जब पैदा की जाती है तो उसकी पत्ती से लेकर जड़ तक उस पौध की सारी चीज़ें काम में आ जाती है, लेकिन मुख्य फसलों के रूप में जब हम बात करते हैं तो उसमें हम मैंने मुख्य मुख्य फसलें जो थी उनके